एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकराज एम सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं थ्री कलर सैंडविच। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है। ब्रेड का हमने चारों तरफ से किनारी निकाल दी है, देख सकते हैं। और अब हम पहले ये हमने मेयोनीज लिया है, ये वेज मेयोनीज है। उसमें हमने पहले टोमेटो केचप डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमने मेयोनीज में हमने ये टोमेटो केचप मिला करके मिक्स कर दिया है। तो हम पहले ब्रेड में ये जो हमने हरी चटनी पीस के रखा है, ये धनिया पत्ती और पुदीने की, ये डालेंगे। इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। और ये हमने चटनी लगा ली है, इसके ऊपर हमें खीरा डालेंगे। इस खीरे को हमने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ दिया है, क्योंकि खीरे में जब कद्दूकस करो तो बहुत सारा पानी निकलता है, तो इसलिए हमने इसको पहले पानी को निचोड़ दिया अच्छे तरीके से। इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमने इस पे खीरा डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और थोड़ा सा इस पे डालेंगे चिली फ्लेक्स। डाल के इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम एक ब्रेड को रख देंगे, ब्रेड के टुकड़े को। और अब हम इसके ऊपर ये जो हमने टोमेटो केचप और मेयोनीज का जो हमने स्प्रेड बनाया है, इसको डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से इस पे डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने इस पे टोमेटो केचप और मेयोनीज का जो हमने बना के रखा था वो डाल दिया है। इसके ऊपर डाल देंगे गाजर, जो हमने कद्दूकस करके रखा है वो गाजर डाल देंगे। हमने इसके ऊपर गाजर भी डाल दिया है। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसके ऊपर से दूसरा ब्रेड डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से करके हमने सारा ब्रेड को तैयार कर लेना है, सारे सैंडविच को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे ने सैंडविच को तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारा थ्री कलर सैंडविच बनके तैयार है। देख सकते हैं हमने इसको कितनी आसानी से इसे बनाया है। अपने घर में जरूर ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।